लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। भारत ने इंदौर में हुआ सीरीज का दूसरा टी20 मैच में 88 रन से जीत लिया। मैच में टीम इंडिया ने 20 ओवरों में 5 विकेट पर 260 रन बनाए थे। जवाब में श्रीलंका 172 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने जबरदस्त बैटिंग करते हुए सेंचुरी लगाई। वे 43 बॉल पर 118 रन बनाकर आउट हुए। उनकी जबरदस्त बैटिंग के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने उनकी तारीफ करना शुरू कर दिया। किसी ने उनकी बैटिंग के लिए उन्हें हनुमान बताया तो किसी ने इसे अनुष्का की शादी का गुस्सा बताया। मैच में रोहित शर्मा ने जबरदस्त बैटिंग करते हुए टी20 करियर की दूसरी सेंचुरी लगाई। वे 118 रन बनाकर आउट हुए। 43 बॉल की अपनी इनिंग में उन्होंने 12 चौके और 10 सिक्स भी लगाए। रोहित ने अपने 100 रन सिर्फ 35 बॉल पर पूरे किए थे। ऐसा करते ही उन्होंने सबसे कम बॉल पर टी20 सेंचुरी लगाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर ने अक्टूबर 2017 में बांग्लादेश के खिलाफ 35 बॉल पर सेंचुरी लगाते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अब रोहित के नाम पर भी ये रिकॉर्ड हो गया है। रोहित ने अपने पहले 50 रन सिर्फ 23 बॉल पर पूरे किए थे, वहीं बाद के 50 रन बनाने के लिए सिर्फ 12 बॉल ही खेली।